आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस समय देश में त्योहारों का मौसम है और अभी हाल में ही दिवाली का त्यौहार मनाया गया, उसके बाद अब जो तैयारी चल रही वो चल रही है छठ पूजा की। छठ पूजा महत्वपूर्ण त्यौहार और देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण भी यहाँ पर इसलिए है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि छठ पूजा में नदी किनारे अर्घ दिया जाता है भगवान सूर्य को, और 36 घंटे का निर्जला व्रत, और कितने मेहनत के साथ, कितनी आस्था के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है वो हम सभी जानते हैं। और बड़े बड़े स्तर पर तैयारियां होती हैं, पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं, चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें या देश की राजधानी दिल्ली की बात करें। पर जो चर्चा का विषय हमने रखा है वो रखा है कि छठ पूजा की तैयारियाँ तो हैं पर कहीं ना कहीं आस्था पर गंदगी का ग्रहण भी है। ग्रहण कैसा कि दिल्ली में जिस यमुना नदी में लोग आस्था के केंद्र बिंदु को मानते हुए छठ पूजा के लिए अर्घ देते हैं, उस यमुना में झाग ही झाग है। वो झाग केवल झाग नहीं है, ये जहरीला है, ये प्रदूषित है। बड़े बड़े दावे करने वाली दिल्ली सरकार केवल और केवल इस पर दावे ही कर पाई है। और केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कई बार नीति बना चुके हैं यमुना को साफ करने को लेकर। इस बार फिर नई नीति बनाई है, कहा है कि 570 करोड़ रुपए से 2025 तक, फरवरी 2025 तक यमुना साफ कर देंगे। 28 दिसंबर 2013 को पहली बार सरकार बनाई और महज 49 दिन बाद सरकार से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा देने के बाद फरवरी 2015 में फिर सरकार बनाई, 70 में से 67 सीटें जीती, बड़ी जीत। और फिर दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी और आम आदमी सरकार दोबारा बनी। दूसरा कार्यकाल पूरा 5 साल पूरा रहा। उसके बाद 16 फरवरी 2020 को तीसरी बार मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। एक कार्यकाल तो बहुत छोटा रहा, पर दो कार्य यानी 10 साल तो पूरे नहीं हुए, अभी 20 शुरू हुए अभी। पर लगभग अगर हम बात करें कार्यकाल से तो 5 से और 22, 7 साल पूरे हो चुके हैं। और 7 साल किसी नदी को साफ करने के लिए, वो नदी जो यम की बहन कही जाती है, वो नदी जो हमारे आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदुओं में एक है, वो नदी जिस पर लोग आस्था रखते हैं, वो नदी जिसके साथ तमाम पौराणिक गाथाएं हैं, वो साफ नहीं हो पाई। और अर्ध के समय जब छठ पूजा की तैयारी चल रही है तो वहाँ पर रसायन के माध्यम से सफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। 7 साल क्या किया, नीति बनाई, नीति 2015 में बनाई, नीति 16 में बनाई, और 17 में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली का जो पानी का जो लेवल है वो ई लेवल का है, यानी दिल्ली का पानी जानवरों को नहलाने योग्य भी नहीं है। ये बात तो दिल्ली की है। और अब दोबारा नीति बनाई है 21 में, कहा है कि 570 करोड़ से फरवरी 2025 तक हम यमुना साफ कर देंगे। खैर, वो भी भविष्य के घर में छिपा रहेगा, वो भी बात देखने वाली बात होगी कि यमुना साफ होगी कि नहीं होगी यहाँ पर, या फिर केजरी नीति फेल हो जाएगी। बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव में, बात कर रही पंजाब की। फिलहाल दिल्ली में सरकार चल रही है, उसमें बड़े बड़े वादे तो पूरे किए गए हैं, पर सारा शायद जो वादा यमुना नदी के साथ किया था वो वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। चलिए दिल्ली छोड़ते हैं, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर हमारी राजधानी लखनऊ की बात करें तो माँ गोमती कहा जाता है, आरतियाँ होती हैं और आस्था का केंद्र है, पर गंदगी हद से ज़्यादा। हालांकि छठ पूजा के पहले वहाँ पर झाग तो नहीं है, सफाई बहुत बेहतर कर ली गई है, तैयारियाँ प्रशासन ने बहुत बढ़िया की हैं, और युद्ध स्तर पर तैयारियाँ की गई हैं, बेहतर कर दिया गया, पानी भी साफ हो गया है। पर जो नाले गिर रहे हैं वो फिर गिरना शुरू होंगे पूजा के बाद, फिर स्थिति वही रहेगी और जो मामला रहेगा वही रहेगा, ढाक के 3-5 जो खा जाता है। 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, गंगा की सफाई को लेके तमाम तरह की कसमें खाई गई, तमाम तरह के वादे किए गए, और यहाँ तक कि एक कसम तो ऐसी खाई गई थी कि अगर गंगा जी साफ नहीं हुई तो वो खुद गंगा जी में समाधि ले लेंगे, ऐसी वादे किए गए, ऐसी कसमें खाई गई, करोड़ों रुपये आए,
काम हुआ, पर उतना उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हो पाया जितनी की उम्मीद की जा रही थी। हजारों करोड़ रुपए नमामि गंगे प्रोजेक्ट, मोदी सरकार आई और सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। काम हुआ, कुंभ भी मनाया गया, तमाम कार्यक्रम हुए बड़े बड़े, पर अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर गंगा उतनी साफ नहीं हो पाई जितनी की हमारी आस्था के केंद्र में है। महत्वपूर्ण विषय है और विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे तो हमारे त्योहारों के साथ ये बात न्याय नहीं होगी, न्याय नहीं होगा। और हम यहाँ पर न्याय करने के लिए बैठे हैं और बात करने के लिए बैठे हैं, और क्योंकि ये बात भी जनता से जुड़ी हुई है। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, और हमारे आस्था के केंद्र में रहने वाली नदियाँ जिनको हम माँ कह के संबोधन करते हैं, उन नदियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? वो नदियों को सफाई करने के लिए ये उपेक्षा क्यों? और ये इस उपेक्षा की शिकार केवल केवल एक नदी नहीं है, ज़्यादातर नदियाँ देखेंगे वहाँ पर स्थिति यही। अगर सफाई होती भी है तो सफाई होती है प्रकृति द्वारा। जब प्रकृति द्वारा वर्षा होती है, बाढ़ आती है, ज़्यादा वर्षा होती है तो जब ज़्यादा पानी जाता है तो सारी गंदगी उसी बाढ़ के कारण, उसी पानी के अत्यधिक बहाव के कारण चली जाती है और साफ हो जाती है। पर अगर मानव व्यवस्था की बात करें, मानव कस्बों की बात करें, योजनाओं की बात करें तो उतनी नहीं हो पाती है। दिल्ली की स्थिति मैंने बताई आपको, चर्चा बहुत बहुत की जाती है, तमाम बातें कही जाती हैं, यात्रा निकाली जाती है, पर धरातल पर कुछ नहीं। और ये स्थिति कई जगह पर है। मथुरा में कुछ समय पहले देखा गया था कि वहाँ का पानी आचमन योग्य तक नहीं था। आचमन आप समझ सकते हैं, आचमन योग्य तक नहीं, नहाने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो निश्चित रूप से यह पर चर्चा महत्वपूर्ण है, इसी चर्चा पर आज हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर चर्चा नहीं करें तो कहीं ना कहीं ये हमारी धार्मिक आस्था के साथ न्याय नहीं है। क्योंकि हम त्यौहार मनाते हैं, अर्घ देते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं, पर जब उस उपासना के केंद्र बिंदु में नदियाँ आती हैं तो कहीं ना कहीं ये कमी देखी जाती है कि लोग माँ बोलते हैं, लोग आचमन करते हैं, लोग नहाकर अपने आप को पाप मुक्त मानते हैं, पर नदियों के साथ न्याय कौन करेगा? सरकार या जनता खुद या हमारे अधिकारी जो तमाम तरह की योजनाओं से जुड़े होते हैं? खैर, महत्वपूर्ण विषय है, हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपको रूबरू करा दूँ। भाजपा से कंचन द्विवेदी अपना पक्ष रखेंगी, मोहम्मद अखिलाक भाई प्रसपा से अपना पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे भाई समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपसे बनन भाई अपना पक्ष रखेंगे, और पवन श्रीवास्तव भाई वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चर्चा है उसके हम पहले जो हम जवाब लेंगे वो लगाव लेंगे इमरान भाई से। इमरान भाई, दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है और दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार दिया है आपको, बीच में दोबारा सरकार बनाई, यानी तीसरी बार सरकार बनाई, पहली सरकार तो महज 49 दिन की थी, पर उसके बाद भी तमाम तरह के वादे किए गए, यमुना जी को साफ किया जाएगा, पर हमने पिछला छठ भी देखा, उसके पहले भी छठ देखा कि यमुना जी का जब देखा, नदी दिखाई तो केवल झाग ही झाग नजर आता था, यानी ऐसा लगता था कि जो महिलाएं हैं जो वहां पर अर्घ देने गई हैं वो बादलों के बीच में खड़ी हों, ऐसा स्थिति रहती थी। भाई काम तो किया गया, पर काम कैसा किया गया? यहाँ पर केजरी नीति क्या फेल हो गई? कैसे देखते आप? इमरान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? गौरव जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी इमरान भाई बोलिए भैया जी। मैं क्या था? हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो एक तरफ वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या निराशापूर्ण है? नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण होता तो सफाई हो गई होती। मानो 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 जी जी, वो एक तरफ तो हमारे लिए जीवन दायिनी है और दूसरी तरफ वो हमारी आस्था का केंद्र बिंदु भी है, इसलिए उनको महत्व दिया जाना बेहद आवश्यक है। जी, नदी की साफ सफाई की बात है जी, तो उसके लिए एक ढंग से प्लानिंग होनी चाहिए जी, जो हमारी इंडस्ट्रीज का जो प्लान है वो ढंग से किया जाना चाहिए जी। और अभी तो जो यमुना के विषय में जो वादा हमने 2020 के विधानसभा चुनावों में किया था उस पर काम शुरू कर दिया गया है, यमुना की सफाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा है जी। जो समस्याएं हैं वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि यमुना में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हरियाणा जी, यमुना का जो
यमुना का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो हरियाणा से आ रहा है और तमाम उत्तर प्रदेश की तमाम इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो यमुना नदी में आ रहा है, तो इसको सबको पहल करनी पड़ेगी। इसमें केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, इसमें जो उत्तर दिल्ली से लगे हुए जो प्रदेश है जहां से होकर यमुना गुजरती है उन प्रदेशों की सरकारों को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है इस बात के लिए, और जितना काम किया जा सकता है वो किया जा रहा है, और हमारा इस बात की पूरी गारंटी, आम आदमी पार्टी तो जो वादे करती है उसको गारंटी 16 में वादा किया था, 16 में वादा किया था जी। नहीं देखिए, यमुना नदी की सफाई को लेकर जो है हमने 2022 के 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था, और हम पूरी गारंटी के साथ ये कह रहे हैं कि अभी 2025 तक का हमने लक्ष्य रखा है और निश्चित रूप से यमुना को इतना साफ कर लेंगे कि वो आचमन योग्य भी हो जाएगी और छठ का त्योहार मना सकते हैं। बिल्कुल, हम देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें आ रहा है, कहां कहां से उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जा रहा है, तो जब तक एक कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनेगी, जब तक इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं तैयार की जाएगी, तब तक ये समस्या आपका कहना है हरियाणा से गलत आ रहा है, तो आप साफ कर लीजिए, मतलब साफ चला जाएगा। हम बिल्कुल साफ कर रहे हैं, जितना हमने एक बार फिर आपसे ये कहा है कि 2025 तक का लक्ष्य दिल्ली की सरकार ने रखा और उस पे युद्ध स्तर पे काम भी चल रहा है, और मुझे लगता है कि इस पे राजनीति करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अगल बगल के राज्यों में उनकी सरकार है, उनको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज में जो इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करे जाते हैं, इंडस्ट्री डेवलप करी जाती है, उनके लिए एक ठोस प्लान होना चाहिए कि उनका वेस्ट कहाँ जाएंगे। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश से आप यमुना में इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरा देंगे और उसके बाद दिल्ली उसकी सफाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये व्यवस्था केंद्र सरकार यमुना दिल्ली से मतलब जोड़ा व्यक्ति है। जी क्या हुआ यमुना जी, आप बताए कि आप उत्तर प्रदेश में गिरा देंगे और फिर दिल्ली में, वो कह रहा आप बता रहे हैं कि वो तो दिल्ली से मथुरा बहती है, ये मथुरा दिल्ली जोड़ा बहती है, उल्टी जाती है क्या? मैं कह रहा हूँ देखिए, वे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें जो भी डाला जा रहा है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर एक राज्य की, मैं उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली की इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, दिल्ली की ज्यादातर इंडस्ट्रीज तो दिल्ली से बाहर शिफ्ट की जा चुकी है इन्हीं सब वजहों से, प्रदूषण के कारण, लेकिन जब तक उन नदियों में प्रदूषण फैलाया जाएगा इंडस्ट्रीज के द्वारा, तब तक इसका कोई अस्थायी हल मिलना मुश्किल है, उसके लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए, और वो अकेले दिल्ली सरकार के बस की जिम्मेदारी नहीं है, इसको केंद्र सरकार को पहल करिए, इसके लिए आंदोलन करना जरूरी है। आसपास हमने हमेशा मीटिंग कॉल्स करी, हम हमेशा चाहते हैं कि जो आंदोलन भी कर लीजिए, राज्य है उनके आंदोलन भी कर ले हमारी पार्टी वाले, हम तो कहते हैं नदियों को लेकर आंदोलन कर ले, सारी नदियां साफ कराइए भाई। बिल्कुल किया जाएगा आंदोलन, तो आम आदमी पार्टी आंदोलन के काक कोक से उपजी हुई पार्टी, और आम आदमी पार्टी अपने आप में एक आंदोलन है, निश्चित रूप से आंदोलन हम करेंगे और देखने वाली बात होगी। ठीक है इमरान भाई, ठीक है, जवाब लेता हूं दोबारा आपसे, प्रवक्ता भाजपा से कंचन दीजिए। कंचन जी, दिल्ली की स्थिति तो अभी इमरान भाई ने बताया, उनके सामने तमाम तरह के वादे हुए पर अब तक उतना काम नहीं हो पाया जितनी उम्मीद थी, और हर बार केवल छठ के समय सफाई करना जरूरी नहीं है, सफाई हमेशा रहनी चाहिए, हमारी बहुत आध्यात्मिक नदियों में एक है और हम उनको माँ कह के संबोधन देते हैं। पर अगर हम बात करें तो तमाम तरह के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के बनाए गए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी रहा, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, गोमती की बात करें, तो वहाँ पर भी स्थिति रहती है कि मेहनत की जाती है, प्रकृति बहाव से भले ही नदियाँ साफ हो जाएँ पर जो हमारी योजनाएँ हैं कहीं ना कहीं उन पर अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, और जो सफाई है वो समय समय पर त्यौहार पर छठ पूजा पर हो जाती है, पर स्थिति हमेशा गंभीर बनी रहती है, कैसे देखती हैं आप? जी, फर्स्ट पॉइंट तो ये है गौरव जी कि मैं अभी राजनीति पे ना जाते हुए थोड़ा सा विश्व की एक प्रतिबिंब में झांक करके अगर देखूं भारत में नदियों की स्थिति को, तो आप भी समझते हैं कि नदी और नारी जी, अगर ये दोनों ना हो ना तो दुनिया खत्म हो जाए। जी बिल्कुल जी। अगर नदी ना हो तो किसान कुछ भी बोएगा ना तो जमीन कुछ अनाज पैदा करना बंद कर देगी, जी बिल्कुल, और अगर नारी ना हो तो खुद आदमी पैदा होना बंद हो जाएगा जी। ये संज्ञान जब तक इस आदमी को इस
भारत को पता नहीं चलेगा, पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगी, थोड़ा गंभीर मुद्दा है तो मैं गंभीर तरीके से बात करते हुए राजनीति की तरफ धीरे धीरे बढ़ूंगी, पॉइंट पर पहुंचूंगी। लेकिन थोड़ा सा दर्दनाक है, जिस समय यमुना का परीक्षण हुआ उस समय देखा गया कि यमुना ना तो ए ग्रेड की है, ना बी ग्रेड की है, ना सी ग्रेड की है। मतलब ए ग्रेड का पानी जो आदमी पी सकता है, बी ग्रेड यानी कि जानवर, जो सी ग्रेड होता है वो खेती के काम आता है, लेकिन बी ग्रेड यमुना का पानी निकला बी ग्रेड का, यानी कि काम नहीं आ सकता। ई ग्रेड या ई ग्रेड सॉरी ई ग्रेड में निकलने का मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। तो इस बात से आप सबक सीख सकते हैं कि जो एक आपने 2016 में वादा किया, मैं प्रश्न उठाना चाहूंगी कि आपने वो काम इतने दिनों तक पूरा नहीं कर पाया। और इस पर आप क्या कह रहे हैं, मैंने भी सुना केंद्र की आवश्यकता है, यहाँ के प्रदेशों की जरूरत है, आसपास के प्रदेश काम करें। क्यों भाई, आप दिल्ली में रह रहे हो ना, दिल्ली में आपकी व्यवस्था होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा गंदी कहाँ है, यमुना दिल्ली में मथुरा में, वहां से हरियाणा ले जाता है और यहाँ से काट करके यमुना जब तक दिल्ली से निकलती है मथुरा आते आते खत्म हो जाती है यमुना। आप स्थिति आचमन योग्य तक नहीं है, आचमन योग्य नहीं है, देखा जाए नहीं है वहाँ, खत्म एकदम काला हो जाता है। देखिए ना वहाँ ताजमहल के पीछे में देखी कि क्या स्थिति, एकदम काला है एकदम से पानी यमुना का। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं केंद्र की व्यवस्था है, नहीं आसपास के राज्यों की व्यवस्था है। अगर आप यमुना के लिए कह रहे हैं कि आसपास के राज्यों की व्यवस्था है, केंद्र की व्यवस्था है, आपने यमुना तो साफ नहीं कर पाई, लेकिन हाँ आपने शराब साफ कर ली, आपने मेडिकल साफ कर लिया, आपने स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षा नीति साफ कर ली, ये सब आपने कर लिया। लेकिन यमुना साफ करने के लिए आप क्या कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी साथ दे, केंद्र साथ दे, ये करे वो करे, राज्य आप गंगा कैसे साफ करेंगी, गोमती कैसे साफ करेंगी, इन सब नदियों के बारे में आपसे बोलती नहीं निकल रही है। आप सिर्फ आम आदमी पार्टी की बुराई करने के लिए बैठे हैं। सरकारों की गलती है और आप शराब शराब पे शराब पिलाओगे, कहोगे नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया है, मेरी नीतियां अच्छी हैं, हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, यमुना आपको साफी नहीं करनी है। नमामि गंगे से पहले आप गंगा की स्थिति को भी देखिए। ये तो आदरणीय मोदी जी की प्रक्रिया है कि वो हर प्रकार से प्रयास किए कि गंगा कैसे शुद्ध हो सके, और सुदृढ़ता की तरफ आप एक बार देखें तो जिस प्रकार की पहले गंगा थी, आज की स्थिति में वो गंगा नहीं है। आज शुद्धता आई है गंगा में, यथार्थ दिखने वाली बात है, इसमें कहीं लाग लपेट या मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगी। ये यमुना की कंपेयरिंग गंगा को देख लिया जाए तो आज गंगा की स्थिति बहुत बहुत लाख गुना बेटर है यमुना से। तो ये केजरीवाल सरकार को समझना चाहिए कि केवल शराब पीने से दुनिया नहीं चलेगी। भारत धार्मिक देश है और धार्मिकता के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप भारत को उसकी धार्मिकता की निशानियों को, धार्मिकता की सिंबॉलिक तरीकों को या फिर जो चीजें हैं उनको नहीं सौंप सकते तो शराब पिलाने से कुछ नहीं होगा, शिक्षा में गड़बड़ी नीतियों से कुछ नहीं होगा। और ये जनता अब बहुत प्रकार से दिल्ली वाले भी समझने लगे हैं, बाकी जो लोग हैं वो तो समझ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ नेता सपा से विवेक पांडे भाई बैठे हैं। विवेक भाई, तमाम सरकारें आई, दिल्ली की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, वो परिणाम नहीं आए जो हम हमेशा सोचते आए हैं। आयोग बने, अभियान चलाए गए, प्रोजेक्ट लाए गए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, पर जो स्थिति है वो नदियों की आपको पता है। आप भी राजधानी लखनऊ से बिलोंग करते हैं, आपने चीज़ें देखी हैं, आपने गोमती को भी देखा है, आपने यमुना को भी देखा है, आपने गंगा को भी देखा है। जिस तरह से हमारी आध्यात्मिक नदियाँ जिनको हम माँ के संबोधन करते हैं, उनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। प्रयास होता है पर वो प्रयास नाकाफ़ी रहता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो नाले हैं वो गिरते जाते हैं। तो केवल त्यौहार पर ही युद्ध स्तर पर काम जरूरी नहीं है, स्थिति ऐसी बने कि हमेशा वो नदियाँ त्यौहार मनाने योग्य रहें। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो पूरे मंच को धन्यवाद देते हुए और सहृदय प्रणाम करते हुए अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखूंगा। आपको बड़ी जिम्मेदारी से समझना होगा कि आज हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत की नदियों की स्थिति या दुर्गति इस हालत में, बदहाल हालत में क्यों है। 2014 से स्वीकृत होती है नमामि गंगे परियोजना, जिसमें की कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातों का प्रलोभनों को या उसके बड़े बड़े उस परियोजना से जोड़ करके मंचों से राजनीतिक नारों को लुभावने तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कसमें भी खाई गई थी। लेकिन जब जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी का एक पत्र वायरल होता है जी, वो इस पूरे
वादों की पूरे जितनी भी इनके दावे थे उनकी धज्जियों की पोल खोल करके रख देता है जी। उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं, अधिकारियों पे कार्रवाई करने की बात होती है तो कार्रवाई होती नहीं, भ्रष्टाचार नमामि गंगे के नाम पे चरम सीमा पे है और अन्य कई आरोप उन्होंने अपनी ही सरकार के व्यवस्था और प्रशासन पे लगाए। मुझे ये बताइए, अब आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, यहाँ पैनल में बैठ करके हमारे दोनों सम्मानित प्रवक्ता है, मुद्दा आज राजनीतिक नहीं है, ये बड़ा व्यवहारिक मुद्दा है, बड़ा ही जमीनी मुद्दा है। यहाँ पे सरकारों को एक साथ एक मिशन को एक लक्ष्य को मान करके अगर काम करने की नियति होती तो मुझे लगता है ये परियोजना सार्थक हो चुकी होती। दिक्कत यह है, भाजपा की बात कर लीजिए तो भाजपा तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ये तो इनके प्रवक्ताओं का स्लोगन भी है और ये इनके लिए एक क्या कहते हैं अपने आप को प्रस्तुत करने का एक नजरिया नजीर भी है कि ये तो हमेशा कहते हैं हम तो हमेशा एग्रेसिवली चुनाव के मोड में रहते हैं। इनके अधिकतर मंत्री तो विभागों को छोड़ करके केवल चुनाव की तैयारी में इस राज्य में कभी उस जिले में कभी दूसरे राज्यों में व्यस्त रहते हैं। तो नमामि गंगे परियोजना या उस विभाग जल शक्ति विभाग या नमामि गंगे परियोजना का जो विभाग है उससे कोई सरोकार तो सरकार को है ही नहीं। अब सुनिए, मैं आपको कुछ ज्वलंत सत्यता पे लेकर के आना चाहूंगा, मैं चाहूंगा पैनल में उपस्थित लोग भी सुने क्योंकि ये आलोचना का विषय नहीं है, ये हमारे फेलियर का विषय है। एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने 13 जुलाई 2017 को गंगा की सफाई पे एक फैसला दिया जिसमें उसने कहा कि सरकार ने गंगा को शुद्ध करने के लिए बीते 2 साल में 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए लेकिन गंगा नदी की गुणवत्ता के मामले में रत्ती भर सुधार नहीं दिखा। और एनजीटी ने फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि यह पर्यावरण से जुड़ा गंभीर मुद्दा है, जब योजना केंद्र की कार्यसूची में पहली प्राथमिकता पर है उसके बावजूद गंगा और अधिक पहले से प्रदूषित हो गई है, ये एनजीटी के फैसले में है। और आप चाहेंगे तो 543 पृष्ठों का यह आदेश 2017 तक उसमें एनजीटी लिखती है कि 7,304.64 करोड़ खर्च करने के बाद केंद्र राज्य सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के स्थानीय प्राधिकरण गंगा नदी की गुणवत्ता के मामले में सुधार कर पाने में असफल रहे। तो ये आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो नदियां हैं, जो गंगा है, 1100 लगभग छोटे बड़े नाले आज भी उसमें दूषित जल प्रवाहित कर रहे हैं। यूपी में गुजरने वाली प्रमुख 31 नदियों में जो नमामि गंगे परियोजना थी इसको 5 प्रायोरिटी में डिवाइड किया गया था, 1 से 4 में गंगा के साथ यमुना, गोमती, रामगंगा, हिंडन, काली ईस्ट और वरुणा, और 5वीं प्रायोरिटी में बेतवा, घाघरा, सरयू, राप्ती, साई नदी और पुनर्मिलित आपकी भी 4 बार सरकार रही, गोमती की स्थिति वैसी बनी हुई है। चले ठीक है, बीजेपी आप अगर हम पे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जवाब यही दे देता हूँ आपका, मैं समझ गया आपका हाल आ रहा है जी। गोमती की बात कर लीजिए, दूर मत जाइए जी, लखनऊ में उसी गोमती के किनारे जब हमारी सरकार थी, गूगल फोटोज में जा करके रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, आपकी भी 10 सेल्फी उसी गोमती पे होगी जो इतनी चमकती थी। मैं वही कह रहा हूँ, हमने तो स्टीमर चलवा दी थी, आज तो गोमती में जलकुंभी है, आज तो राजधानी में गोमती की स्थिति है, हमने तो पूरी गोमती को साफ करके चमका दिया था। अच्छा, लेकिन जब आप प्रादुर्भाव, जब आप विपरीत राजनीति, आप द्वेषपूर्ण राजनीति का हिस्सा बनेंगे तो ये स्थिति देखने मिलेगी। अच्छा, जिस गोमती नदी के जिस कॉरिडोर की मिसाल दी जाती थी, आज देखिए ना वहां स्थिति क्या है। जी, आप भी परिवार के साथ गए होंगे, ये लोग भी गए होंगे, ऐसे ऐसी बात थी कि उस गोमती का भी मजा सबने ले लिया जी, लेकिन आज वहां जलकुंभी तैर रही है जी। ठीक है, ठीक है, तो मेरा ये कहना है। और इससे भी ज्वलंत उदाहरण, एक अंतिम लाइन पूरी कर दूं। बोलिए बोलिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर होती है, मैं यहाँ पर बैठे जिम्मेदार लोगों से पूछ लेता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुई जिसमें संरक्षित अडानी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के भ्रष्टाचार उजागर हुआ नमामि गंगे का जी। उसमें ये था कि एक मानक के ऊपर गंगा दूषित होगी तो अडानी के एसटीपी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी उसको साफ करने की। जजों ने माथा पीट लिया अपना कि आपने नमामि गंगे परियोजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। अच्छा, तो मुझे लगता है, यहाँ आरोप नहीं लगा रहा मैं, मेरा कहना है अभी भी अगर ये राज्य सरकारें मिल करके एक उद्देश्य पे एक लक्ष्य के साथ अगर काम नहीं करेंगी तो यकीन मानिए ये नैसर्गिक वातावरण हमारा समाप्त होकर के मानवीय जीवन को प्रदूषित करना शुरू कर। सबके लिए आंदोलन होते पर नदियों के लिए कोई आंदोलन नहीं था। ठीक है भाई, अभी जवाब लेते हो कंचन जी आपसे, हमारे साथ प्रवक्ता प्रस्पा इखलाक भाई जुड़े हुए। इखलाक जी, आप भी यहीं रहते हैं, सारी चीज देखते हैं और देश में स्थिति, इस समय त्योहारों का मौसम है, लगातार त्योहार हो रहे हैं, दिवाली गई, छठ पूजा है, आगे देव दीपावली भी रहेगी, कैसे देखते हैं आप जिस तरह से यहाँ पर हमारी नदियाँ जो हैं वो लगातार प्रदूषण होती जा रही है, सुधार हो रहा है पर जिस सुधार की उम्मीद करते हैं वो सुधार नहीं हो रहा है, 1,000 करोड़ रुपए लग गए, अभियान चलाया गया,
परिस्थिति वही है, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव भाई, सबसे पहले तो जो आपने आखिरी बात कही कि हजारों करोड़ रुपए लग गए जी, आज कोई नदी साफ नहीं है पूरे देश की, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं जी। पहली बात यही कहूंगा कि हजारों करोड़ जो रुपए लगे वो तो जांच का विषय है, आखिर वो हजारों करोड़ रुपए गए कहाँ। अच्छा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम माँ गंगा साफ करेंगे, उसके लिए कई हजार करोड़ रुपए दिए गए जी, वो आज पैसे कहाँ गए? मामला कोई उठाता नहीं, पर अगला भाई ये भी नहीं करता लगातार। गौरव भाई मामले उठाए जाते हैं, यात्रा निकलती है पर कोई नदियों के लिए यात्रा नहीं निकलता। आपकी बात सही है, सीखने वाली बात है जी। आप पब्लिक डोमेन में कम से कम कई आर्टिकल मिल जाएंगे, कई बार इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, कई बार इस पे सड़क आंदोलन भी हुआ है जी। दोनों साथ में है क्या? चल ठीक है, प्रसपा भी बोलिए, बोलिए। नहीं सपा प्रसपा दोनों साथ में, नहीं सर सपा प्रसपा साथ में को जो है उसमें जी, चलिए ठीक है, नाम नहीं दिया। भाई बोलिए, देखिए टॉपिक वो नहीं है, मुझे लगता है अभी उस पे भी जवाब दे देंगे जब उस टॉपिक आप रखेंगे, शिवपाल जी को क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। तो बात ये थी कि वो पैसे कहाँ गए गौरव भाई जी, और ये नदियों का साफ होना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए और हम सब के लिए। सबसे पहले अगर किसी की जिम्मेदारी होती है तो हम सब लोगों की है, यहाँ पे बैठे जो पैनलिस्ट है उनकी और उत्तर प्रदेश और देश के एक एक लोग की है जी। उनको जागरूक करने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी जी। सरकार की जिम्मेदारी उसके बाद आती है कि लोगों को जागरूक करने का काम करे जी। भाई पहले क्या होता था कि जो गांव बसते थे नदियों के किनारे बसते थे, जाके उससे बहुत सी चीजें हो पाए जी। आज पानी से नदियों किनारे से आदमी दूर भागता है जी। आज पानी वो नहीं बना कि जिससे अगर आपके हमारे प्यास लगी तो हम वो पानी पी सके जी। इसके पीछे क्या कारण है जी? आम जनता कारण जो गंदगी जा रही है जी नदियों के अंदर, उस तरीके कैसे आप उसे साफ करेंगे? पैसे आप कह सकते हैं, विज्ञापन में निकाल सकते हैं कि मैंने 20,000 करोड़ दिया, 18,000 करोड़ दिया, वो पैसे आखिर कहीं कहाँ गए? मैं तो इस पे सवाल उठाना चाहूंगा, वो जांच का विषय। और देखिए छठ का पर्व है, आने वाला है, तो बहुत ही हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जी। ये पर्व पानी में होता है किनारे पे जी। तो कैसे ये पर्व होंगे? और पर्व के समय ही नदियों की क्यों सफाई करी जाती है? यही प्रश्न है। आज नदियां ही नहीं, मैं कहता हूँ नदी है नाले हो गए हैं जी। आप चाहे गोमती देख लीजिए, अभी क्या हुआ था 2-4 हफ्ते भर पहले क्या स्थिति थी, उस पर हरे कलर की पूरी कुंभी छाई हुई थी, इससे पहले क्या थी? तो साफ करना देखिए पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि अगर नदी साफ नहीं होगी और आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा नुकसान आम जनता और हम सबको पहुंचाने का। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में पवन भाई मौजूद हैं। पवन जी, सबको सुना और लगातार आप देख रहे हो तमाम तरह की, आपने इस पर लेख भी निकाले, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे? गौरव जी जी, यहाँ पे हमारे बीच में जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जी, ये सब एक ही हैं जी, एक ही हैं जी। हाँ, अच्छी अच्छी बातें होती है जी। और क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी। ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की आज पहली सरकार आई, इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी, समझिएगा। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में जी, हम अलग राज्य की बात तो हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जी। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना सरस्वती जो हमारी माएँ बहती हैं, नदियों में प्रवाह के रूप में बहती हैं, स्थिति क्या थी ये हम और आप और जितने भी पैनलिस्ट में बैठे हुए लोग हैं ये भलीभांति जानते हैं। यहाँ किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है जी। लेकिन फिर इसमें राजनीति जब हो जाती है तो राजनीतिक लोगों को लगता है कि ये उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे विरोध में बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि स्थितियाँ आज गोमती की आपके आसपास ही, हम लोग के आसपास है, ज़्यादा दूर मत जाइए, देख लीजिए स्थितियाँ क्या है। इन सब के बीच में सबसे बड़ा कर्तव्य सरकार की तो है ही, सरकार तो कार्य कर रही है, लेकिन आम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है जी। बिल्कुल, आप देखते होंगे इसी गोमती ब्रिज के ऊपर से लोग जाते हैं और थैले में सब जो पूजन सामग्री होती है इसे फेंक देते हैं, जो भी होती है इसको एक किनारे डालिए, नदी में प्रवाह करिए, किनारे डालिए, जिसे कहीं जाकर के इकट्ठा हो जाए, लोगों को साफ सफाई में आसानी हो, तो इस सब पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। लेकिन इन सब बिंदुओं के बीच में इससे झुठलाया नहीं जा सकता है कि पिछले 5-7 साल से नदियों में जो पैसा खर्च किया गया है, ठीक है खर्च किया गया है, लेकिन उस योजनाओं पे काम भी हुआ है जी। आप धरातल पे देखिएगा जी, आज नदियां साफ हैं जी। साफ का तात्पर्य आप प्रयागराज होके आ जाइए जी, हम आज के 10 साल पहले भी गए थे और आज भी होके आए हैं, समझिएगा। अभी अयोध्या में होके आए, देख पैसा खर्च हो रहा है जी, लेकिन अब वो पैसा 80% तो योजनाओं पर खर्च हो रहा है जी। कौन से योजना?
जिस जो मंत्री जी हैं, जो विधायक जी हैं, जो जिनके पास कुछ होता नहीं, मंत्री और विधायक बन जाते हैं, दो साल में वो 200-500 करोड़ के मालिक हो जाते हैं, 80% वहाँ योजना जाती है, 20% जो धरातल पे खर्च होता है जी, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई है कि किसी ने जल के बारे में विचार किया, जल जीवन के बारे में विचार किया, उस पर भी आप देखिए एक सप्ताह पूर्व भी लगभग 5 करोड़ परिवारों को जो है जो पेयजल योजना से जोड़ा गया है, ये भी अच्छाइयां हैं। अभी इसी बीच में हम आपको बताएं, ये जो नदियों का जो हाल है, हमारे घर के आसपास गांव में छोटे छोटे तालाब होते थे, तालाब गायब है। जो बारिश की पानी आती थी उसमें समाहित होती थी, उसमें पब्लिक ने, आम जनता ने उसको कब्जा कर लिया, उसको पाट के उसपे घर बना लिया। तो जब वहां पानी, जो गंदे पानी रहते थे गांव में, वही इकट्ठा होकर के वही खत्म हो जाते थे, अब वो सारी नदियां में आ रहे हैं। अभी 15 दिन पहले बारिश की हाल थी, सड़क में घुटने बराबर पानी आती है। ये सभी प्रवक्ता मोदी जितने बैठे सबको मालूम होगा, इस पे सबको काम करना होगा। अब यमुना की केवल गलती नहीं है, यमुना है या इसका मतलब आम आदमी पार्टी की गलती है जी। नहीं, सरकार तो नहीं की है भाई। देखिए वहाँ पे भाई दो दो राज्य आसपास में है भाई, आप किसे केजरीवाल की बात कर रहे हैं? नहीं, खुश करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही इनके नेता का, आम आदमी पार्टी का जो ये जवाब आया है कि हर केमिकल जहर नहीं होता है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा। शब्दों पे चैन पे ध्यान देना होगा, और लगे हैं केजरीवाल भी काम कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को इस पे जो तमाम प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं उस पे काम भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दिख भी रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इस पे लोगों को काम करना होगा, तभी जाकर के छठ महारानी खुश होंगी। ये छठ जो हम लोग मान रहे हैं, ये कभी जो महाभारत हुआ था, हम लोग धार्मिक ग्रंथ आप लगभग पढ़े होंगे, तो उसमें कर्ण जी जो थे वो कमर से ऊपर पानी में वो वहां पर रह करके बरसों तक उन्होंने पूजन किया था। अगर आज की नदी में आप 1 घंटा खड़ा करने के लिए कह देंगे तो सर एलर्जी हो जाएगी और दाने निकल आएंगे। इसके लिए सबको, आम जनता से भी एक निवेदन हमारा है कि कम से कम उसमें कूड़े करकट ना डालें, और जो छठ की योजना इस बार में हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, कम से कम नगर के जो अधिकारीगण हैं उसमें कम से कम 2 प्रकार के कूड़ेदान, नीला और लाल रखें, जिससे कम से कम सूखे और गीले कूड़ों को इकट्ठा अलग रखा जा सके। इन सब बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। लड़ाई महज कोई नहीं है, राजनीतिक लोग हैं, केवल बहस कर रहे हैं जी। जो सच्चाई उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश चमक रहा है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी हंसेंगे, प्रसपा देखिए समझेंगे बराबर। अभी प्रसपा शिवपाल जी ने इतना मेहनत किया आज भी उनका लिस्ट में समाजवादी पार्टी के जो पैनल थे उसमें से गायब है। ये दुख है। ये लोग कुछ भी कहें, ये कुछ भी कहें, लेकिन दुख है। जो मेहनत किया, जो व्यक्ति अकेले अपने अपने नाम पर जो सीट जीत जाता, वो पार्टी समझौते के साथ उसको 1 सीट दिया गया, ये दुख है। ये हम न शिवपाल के हैं ना अखिलेश के, हमारी बात को समझिएगा, ये सभी में कमियां हैं। ये राजनीतिक लोग हैं, ये महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये जहां इनका फायदा होगा वहां काम। ठीक ठीक है। कंचन जी, आप कुछ जवाब देना चाहिए विवेक जी का और इमरान भाई का। जी बोलिए जी। हमने जवाब क्या, बहुत अच्छी बात किए हैं उन्होंने, पत्रकार महोदय ने। सभी की जिम्मेदारी है और किसी पर इल्जाम लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है। आप किसी और व्यवस्था में लग करके आप अपनी जिम्मेदारी या फिर किसी पर ठीकरा फोड़ करके अगर आप ऐसे बदल जाते हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि अभी बोला कि नमामि गंगे परियोजना में ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, बहुत सारी परियोजनाएं आई, गोमती रिवर फ्रंट की भी परियोजनाएं आई। मैडम जवाब तो आप ही देंगी ना कि पैसा क्यों यूज नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है? जवाब तो आप देंगी, जैसा कि अभी विवेक भाई भी कह रहे थे कि 80% मंत्रियों के पास जा रहा है, वो मंत्री किसके? तो जवाब नहीं होगा आपके पास, वो मंत्री किसके? अभी मैं थोड़ा सा धार्मिकता पे हूँ, मैं थोड़ा सा गुंडाई करेंगे क्या आप धार्मिकता छोड़ के? नहीं, जवाब देंगे, राजनीति करेंगे, बताएंगे आपको अगर आप नहीं तो जवाब देने के लिए देखिए प्रवक्ता बैठते हैं गौरव भाई जी, अगर मैडम नहीं जवाब देंगी तो कौन जवाब देगा? चले ठीक है। जैसे विवेक भाई ने कहा कि 80% जैसे विवेक तो मैंने अगर वैसे जवाब दिया ना आपको तो आप बोल नहीं पाएंगे। आप महिला है, आप कुछ भी कह सकती है कि कोई बकवास करे या क्या करे। अब आपसे तो हम लोग बहस नहीं कर सकते, बस यही चीज कह सकता हूँ कि जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की है। जो रिवर फ्रंट वाला समाजवादी पार्टी, जिम्मेदारी सरकार की है। इनसे पूछ प्रसपा से, ठीक है, इस टाइम उस टाइम तो ये भी मिले हुए थे
भतीजे को नहीं रोक लेते चाचा जी, थोड़ा तो आदर होना चाहिए उनको, बताना चाहिए हमारी मैया है, पैसों से घर रोका नहीं चाचा जी ने, क्या रोकेंगे बेचारे, वो तो खुद ही एक सीट में रह गए, तो उनकी कहाँ सुनी जा सकती है। ये आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर है, थोड़ा जो चीजें हैं उनको समझ लीजिए, आप 3 में हो ना 13 में हो और बीच में ही पता नहीं क्या जी। बोले बोले कंजन जी बोले, वही बातें हैं, जितनी कस्में की सारी ईश्वर बिंदा, सारे जो वादे थे वो सर झुकाए थे जी। जो भी हमने बातें की, जो भी हमने वादे किए, चाहे वो केजरीवाल साहब हो, चाहे फिर वो हमारे अखिलेश साहब हो, चाहे फिर वो कोई भी हो XYZ, लेकिन अगर अपनी जिम्मेदारियों को उसने प्रयास पूरा नहीं किया, कांग्रेस की सरकार की कहूँ तो इन्होंने क्या किया है नदियों के लिए, ये कैसे बहस कर सकते हैं, और इनके पास ये बात ही क्यों होनी चाहिए कि नमामि गंगे परियोजना में हुआ क्या है। आपने एक घड़ी प्रयास भी किया नहीं किया, आपने समाजवादी पार्टी को ये कहने का अधिकार कहाँ से आता है कि नमामि गंगे, अरे आपको यथार्थ देखना चाहिए कि जो गंगा के तट है, जो गंगा है या फिर अगल बगल भी चीजें हैं वो साफ दिखाई दे रही है। ये तो बात की बात है कि सरकारी चीजों में क्या हो रहा है, वो आप भी जानते हैं, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो यथार्थ है वो तो देख लो, आज तो यथार्थ बोल दो कि नहीं हाँ गंगा साफ है, कम से कम अगर आप इतना बोल दोगे तो जनता आपके साथ होगी। हम तो जानते ही है कि आप है क्या, लेकिन सच बोलोगे तो जनता आपके साथ होगी, क्योंकि जनता तो देख ही रही ना, और हमारे यहाँ कहा जाता है जनता जनार्दन है, जनता को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया में मत जाइए। अखिलेश जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, 2 से 4 दफा हो गया जनता को बेवकूफ समझते हैं, वो कहते हैं कि पत्थर रख दो भगवान बन जाता है, जिसको श्रद्धा ना हो, जो भारत में रहता हो जिसे धार्मिकता पर नदियों पर श्रद्धा ना हो उसको जनता नहीं चुनती है, क्योंकि भारत का मन हमेशा धार्मिक रहा है। और हाँ ये बात जरूर है कि जो सरकारों की जिम्मेदारी है वो होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वैश्विक चीजों पर देखा जाए या फिर पूर्ववर्ती सरकारों को मैं देखूं तो आज की व्यवस्था में मैं अगर भारतीय जनता पार्टी से विलग होकर के भी देखूं, फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं वहां से भी हट जाऊं तो मैं कह सकती हूँ एक भारत की बेटी होने के नाते कि जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नदियों के लिए काम हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी भी पार्टी ने ये कार्य उस प्रगति से या फिर उस श्रद्धा से किया है, उस प्रयास से किया है। जी ठीक है कंजन जी, अगला पे जल्दी पूरा करिए बेबे भाई को। देखिए मैं प्रवक्ता भाजपा जी को सुन रहा था जी, इन्होंने कहा कि जवाब नहीं देने के लिए बैठे, तो किस लिए बैठे हैं आप लोग जी, सरकार में है तो आप लोग बैठे किस लिए हैं जी। आप अगर जवाब नहीं देंगे, जनता का पैसा ही लगता है किसी भी योजना के लिए, अगर लगता है जनता का ही पैसा होता है जी, हम सबके टैक्स का पैसा होता है और जनता ही उससे पूछ रही है। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, अभी आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप सुन लीजिए, अभी आप हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव साहब की बात करें तो क्या आप अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ साहब की बात नहीं सुनती है? सदन में उन्होंने कहा था कि लोहिया जी के अगर कोई विचारों को बढ़ा रहा तो शिवपाल जी हैं, क्या वो आप बात नहीं सुनती? आप शायद अपनी मुख्यमंत्री से बड़ी हो गई हो तो अलग की बात है, आप शायद अपनी मुख्यमंत्री जी से बड़ी हो गई हो तो अलग बात है, जिस तरीके से आपने कहा ना इधर ना उधर वो अपने भतीजे को संभाले, आप अपनी मुख्यमंत्री जी से बड़ी है, आप मैं कहता रहा हूँ शायद अब सेंट्रल से है एफिलेटेड आपका, इसलिए शायद अब ये सब बातें बोली, वरना अगर मुख्यमंत्री जी जिस व्यक्ति की तारीफ कर सकते हैं वो अकेले है क्या है क्या नहीं, वो अपने में सक्षम है, वो ऐसे नेता है कि अपने में सक्षम है, और जवाब देने काम सरकार का है मैडम, जवाब आप देंगी, जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी अगर कोई भी चीज होती है, और हमारे नेता ने अगर सरकार ने कोई सही काम कर रहे हैं, सरकार ने अगर कोई सही काम किया है तो उसकी तारीफ सबसे पहले शिवपाल जी ने करी है, और कोई गलत काम किया तो शिवपाल जी ने उसको बताया है। अच्छा मैडम, अब मैडम माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी हो रही हूँ तो मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बाकी जी बकवास कर रहे हैं गौरव जी, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, हो गया हो गया। दिव्य भाई, दिव्य भाई अपनी बात पूरी करिए भाई, फिर मैडम की बात लेते हैं। देखिए मैं दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं को सुन रहा था, मुझे लगता है कि जब बात किसी सुधार की होती है तो उसमें आलोचना और तर्कपूर्ण तथ्यों को रखा जाए तो हम एक दिशा, ये तो आजकल हमारी राजनीति की एक व्यवस्था ही हो गई है कि जहां मुद्दा होता कोई है उठाता कोई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कंचन जी की कुछ बातों से आज मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि देखिए ये बात तो सत्य है, हम जितने राजनीतिक प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं हमारा काम है एक दूसरे, भाई जब आप विपक्ष में हुआ करते थे आप भी तो यही करते थे, तब आप भी जो मौजूदा सरकारें थी उनकी आलोचना करते थे, उनके किए कार्यों पे सवाल उठाते थे, उनसे जवाब मांगते थे और जवाब दिया जाता था। अब मेरा विषय ये है कि जिस विषय पे हम बैठे हैं यहाँ आपको समझना होगा, उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 110 STP प्लांट है
अच्छा, जिसमें ट्रीटमेंट क्षमता 3486 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, जिसको एमएलडी कहते हैं, और ऑपरेशनल एसटीपी 102 मात्र है उसमें। तो जो 110 में 102 मात्र है, उस 8 एसटीपी पे पहले आपको काम करने की जरूरत है, जो कि काम नहीं कर रहे हैं या जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, 1140 किलोमीटर गंगा के जो 28 जिलों से जो गंगा यूपी से गुजर रही है, और 1140 किलोमीटर की जो दायरे में उसकी परिधि है, उसमें जो भी जिले आ रहे हैं, पहले आपको ये देखना होगा, ये मानक तय कर रहे होंगे कि उस गंगा के किनारे जो उद्योग है उनको विस्थापित करके कहीं और स्थापित किया जाए, ताकि गंगा के अंदर जो सीधे रसायन उनका गिर रहा है, उस रसायन को उसमें गिरने से रोका जा सके। ठीक है, तीसरी बात पे मैं आऊंगा ये कहने के लिए, क्योंकि इतने सारे नाले बंद कर दिए गए हैं शहरों के, आपको ये थोड़ा देखना चाहिए, यथार्थ में उतर करके जाएंगे तो ना बात समझ आएगी। अगर आंखों से देखेंगे तो डिबेट में बैठकर बात बोलेंगे तो नहीं चलेगा। ज्यादा दूर ना जाकर के मैं कानपुर की बात कर लेती हूँ, कानपुर के 2-3 जो नाले जो गंगा में जाते हैं उनको बंद करवा दिया। आप किसी की बात को आएंगी नहीं, अब हम सुझाव दे रहे हैं, आपको सुझाव भी नहीं चाहिए, आप अपने भ्रष्टाचार भी स्वीकार नहीं करेंगे। आपका सुझाव ऑलरेडी हो चुका है, इस तरीके से डिबेट है ना। 30,000 करोड़ रुपए आवंटित हो गए, अब आपको नमामि गंगे का सत्य भी दिखा देता हूँ। आपने जब नमामि गंगे परियोजना लॉन्च की थी, उस समय मिर्जापुर की एक घटना बता देता हूँ, जिसमें सरकार ने 26,41,00,000 रुपए जारी किए थे, 7 घाट 3 शमशानों के नवीनीकरण के लिए सुंदरीकरण के लिए। आपको साफ लग रही है पहले से कि नहीं लग रही है? अभी आपको साफ लगती है कि नहीं लगती है ये बताइए। आप कुंभ गए थे? नहीं, पहले और अभी की गंगा को देखा है कि नहीं? तुलनात्मक तरीके से देखा है कि नहीं? मुझे सकती हूँ, क्योंकि मैं भी देखती हूँ ना, मैं भी बोलना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, आज की गंगा पहले की गंगा। इनका कहना ये है, डिबेट का तरीका नहीं होता भाई, नहीं ये डिबेट का तरीका नहीं होता, ये जब विपक्ष में थे चले जाइए, डिबेट से नहीं होता है, बात भी करेंगे, बात भी करना है। रुदन प्रणाम करते थे सड़कों पे उतर के, आज इनको वो रुदन, आज अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो ये उनके ऊपर सवाल उठाने का काम करते हैं जी। सवाल का जवाब ही तो दे रही हूँ, ठीक है, जवाब 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 ले जाओ, नदियों के लिए आंदोलन तो इन्होंने नहीं किया ना जी, जो सच है मैं वही दूंगी। कैनल योजना सुनना हो तो ठीक है, रहो नहीं सुनना हो तो जो करना है उसको करो। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भी सच बोल दीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भी सच बोल दीजिए, ठीक है, मैं जवाब दूंगी आपको। अरे भाई जवाब जवाब ले, अरे भाई मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं, जवाब लेता हूं। कंठ जी बोलिए, मतलब है कि उन्होंने अगर गंगा देखी होगी, इसीलिए भड़क रहे हैं गौरव जी वो, क्योंकि अब इनके पास सीधा सीधा जवाब तो है नहीं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आज की गंगा बहुत, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बनारस में डुबकी नहीं लगाते हैं, आज की गंगा ये बात ही कर सकते हैं ना, ब्लड में नहीं है, कैसे कर देंगे, आई नहीं सकता है। आज की गंगा और पहले की गंगा में तुलनात्मक बहुत फर्क है, और यथार्थ के लिए उसी गंगा में अखिलेश जी अब नहा रहे हैं, उसी गंगा में प्रियंका जी नहा रही हैं, उसी गंगा में जाता भी नहीं था, पूजता भी नहीं था, उन्हीं को सारे लोग पूज रहे हैं। स्वीकार होना चाहिए, आप बोले बार ना बोले, लेकिन मैं अंदर से समझती हूँ ना कि आप अपने अंदर से आप कितना गुमराह नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल। आपको समय दूंगा आपको समय दूंगा कंचन जी, नहीं मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ कंचन जी, आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, बात अपने नंबर बढ़ाना आप अच्छी मेरी बात से सहमत हो सकते हैं और असहमत भी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जो सच है वो बोलूं। के संस्कारित कार्यों को करने के लिए अगर गंगा का घाट इस्तेमाल जा रहे हैं, वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, उसको आप राजनीति का विषय मत बनाइए, मैं निवेदन करता हूँ जी। किसी के परिवार में मृत्यु होने के बाद अगर सही बात आपको सुहाग ही नहीं रही है, ये निवेदन है मेरा, राजनीति कर रहे हो, निवेदन है आपसे, आप अपने स्तर को नीचे मत लाइए। ठीक है अपनी बात पूरी करें, मेरा स्तर आप मत बताइए, मैं अपने स्तर पे ही रहती जी, बोले, अपने स्तर को नहीं, आपके स्तर को नहीं बता रहा हूँ, मैंने कहा भाषा की मर्यादा को नहीं, आप मेरे स्तर को मत बताइए, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता, विवेक भाई, विवेक भाई, विवेक भाई, विवेक कंचन जी का ये कहना है कि सब लोग वहाँ जाते हैं देखते हैं, और तुलनात्मक अगर आप देखेंगे तो गंगा में काफी साफ हुई है, उनका कहना है कि तमाम लोग वहाँ जाते हैं,
प्रियंका भी गई अखिलेश गौरव भाई, यहाँ पे कौन सा प्रवक्ता ऐसा बैठा है जिसने ये कहा कि गंगा में सफाई का काम नहीं हो रहा? लेकिन गंगा एक ऐसा विषय है जहाँ लगातार गंदगी, 1100 नाले छोटे बड़े लगातार उसमें गिरा रहा है। तो जब लगातार कोई चीज सफाई चल रही है तो उसपे आपको निरंतर कार्य जी बिल्कुल 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 आपको लगातार कार्य करना पड़ेगा। मैं इनको सुझाव दे रहा था, बिल्कुल इनको मेरे सुझाव और अपने राजनीति को करते रहिए। ठीक है ठीक है, जब आपकी फाइलें खुलेंगी सरकार पलटने के बाद, सरकार आने कल पलटेगी, ठीक है ठीक है, जब फाइलें खुलेंगी तब ठीक है ठीक है, फाइलें खुलवाई ठीक है। भ्रष्टाचार जाने की क्या जरूरत है, नदी में आइए, अभी तो नदी की बात हो रही है। ठीक है सरकार की नहीं, आप खुद राजनीति करते हैं, कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, गंगा साफ हो जाएगी, केवल राजनीतिक बयान। ठीक है इमरान भाई, अपनी बात पूरी करिए, इमरान भाई को ले लो। मोदी जी नहा लेंगे गंगा साफ हो जाएगी, योगी जी नहा लेंगे गंगा साफ हो जाएगी, मछली बाजार शांत हो जाए जी। अरे गंगा साफ हुई है, नहाने से नहीं होती है। अरे मछली बाजार नहीं, मेरा डिबेट है भाई, मछली बाजार नहीं भाई, मेरा डिबेट है भाई, मछली बाजार में बैठ लग तो यही रहा, लग तो यही रहा। अब भाई आप सबको अपनी बात करने का हक है, पर कभी कभी लोग अति व्यग्र हो जाते हैं। बोलिए इमरान भाई, देखिए गौरव भाई, देखिए गौरव भाई, जहाँ तक बात है कि नदियों की जो गंदगी है जी, उसको साफ करने के लिए सबसे पहले इस बात को देखना जरूरी होगा कि गंदगी हो कहाँ से रही है जी, उन कारणों को इंगित कर किया जाना जरूरी है जी, उनका समाधान खोजना जरूरी है जी, और ये काम सिर्फ राजनीति से नहीं होगा, ये काम सिर्फ सत्ता से नहीं बिल्कुल होगा। अभी अगर अभी आपको ध्यान हो तो आम आदमी पार्टी ने अपनी तिरंगा शाखा जो हमारी सांगठनिक इकाई है उसके जरिए, उसके बैनर तले माननीय राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजय सिंह जी की अगुवाई में लगातार प्रत्येक रविवार को आम आदमी पार्टी के और तिरंगा शाखा के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं वो नदियों की सफाई का काम कर रहे हैं जी, और हम लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि ये नदियां हमारे लिए जीवन दायिनी है, ये हमारी आस्था का केंद्र है, ये हमारे लिए आराध्य हैं, तो इनको साफ रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो सरकार के साथ साथ, सत्ता के साथ साथ, जो जितने भी लोग हैं समाज के, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इसको साफ सफाई इसकी की जाए। लेकिन जो इस बात पे भी सवाल उठाया जाएगा, भी कंचन जी ने बहुत सारी बातें की और आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर भी लगातार प्रहार किए, लेकिन जब नमामि गंगे योजना के फेल हो जाने पर बात होती है तो चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं, बीच में कूदने लगती हैं। अच्छा। आप बताइए स्वामी सानंद जी ने 100 कितने दिन तक अनशन किया, प्रोफेसर जी डी अग्रवाल जी की बात कर रहा हूँ, तो गंगा के लिए लड़ते लड़ते बेचारे शहीद हो गए। तो आपके सर आपके लिए लड़ते लड़ते शहीद होना चाहते हैं आपकी आपकी पार्टी? आप हमारे सर पे टोप लगा के और हमसे कबूल करवा लीजिए कि साफ हो गई है। अरे आप बोल रहे हैं, मतलब आपको इस टाइम तो मैं कितनी एकदम सरीफत सराफत वाली बात की है कि अभी सरकार की बात ही मत करोगी, नदियों की बात करो, मैं ना आपकी सरकार की बात कर रही हूँ ना अपनी बात कर रही हूँ, गंगा की सफाई में। अरे जहाँ जहाँ आपने अब खुद कूद रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कूदने में, खुद कूद रहे हैं अब, मतलब नस पकड़ लो तो आदमी कूदने लगता है, दूसरों को कहता है आप कूद रही हैं, शराब पिला रहे हो ना आप, तो बिल्ली को जल तो पिला नहीं सकते, शराब ही पिला रहे हो, तो आपको लग रहा है कि सब ऐसे ही है हमारे तरीके। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो व्यवस्था है ना सरकार की वो अलग टाइप की है, यहाँ पर वो नहीं, वो लोग सरकार नहीं चला रहे हैं, जो लोग अगर मुसलमान की सभा में जाए तो टोपी पहन ले और जो किसी और की सभा में जाए तो तिलक लगा ले, यहाँ पर ये बहरुखियापन नहीं चल रहा है, यहाँ जो है वो यथार्थ है और आपको भी दिख रहा है जनता को। आप मंदिरों के नाम पर आप पिलाइए, गंगा जल पिलाइए, बारे में पूरी बात आराधना का जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए बोलिए पवन भाई, बोलिए काम करेंगे जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई, मैं पवन भाई को लेता हूँ, पवन जी बोलिए। सर्वप्रथम तो गौरव जी जी हम एक निवेदन करेंगे जी, जो भी सत्ता पक्ष में होता है जी उसका ढेर जी बहुत आवश्यक है, बिल्कुल समझिएगा जी, जो भी सत्ता पक्ष में है, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है जी, तो विपक्ष का कार्य है सवाल उठाना जी, हो सकता है वो 10 सवाल उठाएं जी, 9 सवाल उसमें से फर्जी ही हो जी, लेकिन फिर भी जी
जो भी सत्ता पक्ष है उसका मकसद यही होना चाहिए सभी के सवाल को सुने और आप धैर्य के साथ फिर उनका जवाब दे। देखिए क्योंकि यहाँ तो आपको लोग उकसा रहे हैं सत्ता पक्ष को हमेशा जी। भाई आपकी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी जी। तब भी आप याद करिए स्मृति ईरानी जी किस स्तर की धरना प्रदर्शन देती थी, समझिएगा। तो ये कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी है, प्रसपा है, आम आदमी पार्टी है, कोई भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आप उनकी बातों को सुनिए, धैर्य पूर्वक सुनिए, फिर उनका जवाब दीजिए। अब एक्चुअली जहां तक अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं नदी पे, छठ पर्व हम लोग का है जिसपे हम नदियों की चर्चा कर रहे हैं, नदियां इस बीच में जो हमने बताया आपको कि जो 5-7 सालों में जो साफ हुआ है ये सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, फिर चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे प्रसपा के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, ये सभी मानेंगे कि उत्तर प्रदेश की नदियां साफ हुई हैं। इसमें जो पैसे खर्च हुए हैं, अगर हम जल जीवन मिशन की बात, अभी बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, ठीक है, आरोप लगाना आसान है लेकिन हम कार्य योजनाओं को हमने निरीक्षण किया है, समझिएगा, हमने निरीक्षण किया है और जल जीवन मिशन पे हमने लेख भी लिखा था, तो उस पे जो कहा जा रहा है, समझिएगा, ये पैसे तो नेता की आदत है कि आधा लगाएंगे आधा, लेकिन अब जो डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल प्रणाली चल रहा है, समय समय धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। एक उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, समझिएगा, उस जंगल राज को मिटाने के लिए चाहे भाजपा आवे, चाहे सपा आवे, चाहे कांग्रेस आए, चाहे शिवपाल जी आए, कोई भी आएगा, जनता जागरूक हो चुकी है, उसी स्तर पे चलेगा जी। लेकिन ये जंगल राज था, उसको मिटाने में समय लगेगा, फिर भी नदियां हमारे की स्वच्छ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, यही गोमती को छोड़ दीजिएगा आप, ये पास में गोमती है, गोमती की स्थिति ये हाल है कि पता नहीं सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, ध्यान क्यों नहीं दे रही है, पैसा क्यों नहीं खर्च कर रही है, उस पर कोई योजना भी नहीं आ रही है। हम लोगों ने दो बार चर्चा भी की, अमित मोहन प्रसाद से हमने कहा कि आखिर उस पर क्यों नहीं योजनाएं आप ला रहे हैं, उसको क्यों नहीं स्वच्छ कर रहे हैं। अब उसके पीछे रीजन है राजनीति जी। उस योजना पे समाजवादी पार्टी ने काम किया था, शासन से उस पे प्रस्ताव पास हुआ था, कैबिनेट में मंजूरी हुई थी, समझिएगा। अब उस पे अगर काम करेंगे तो अखिलेश यादव का नाम आ जाएगा, ये विचार दिमाग से निकालना होगा, समझिएगा, ये दिमाग से निकालना होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसका सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए राजनीति, हाँ राजनीति से एक बात हमको याद आ गया गौरव जी, कि राजनीति का जो मंच अखाड़ा है यहाँ पे ना होकर के रामपुर की तैयारी करिए आप लोग। रामपुर से आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई है विधानसभा की, ठीक है, वहां की सदस्यता रद्द कर दी गई है, वहां का चुनाव अब शीघ्र ही होगा, वहां की तैयारी करिए आप लोग, हो सकता है एक सीट आप लोगों की बढ़ जाए सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि चर्चा का विषय था कि जो हमारे आस्था के प्रतीक हमारी नदियाँ हैं जिनको माँ कह के संबोधन करते हैं वो लगातार प्रदूषित होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार काम कर रही है, बताया गया उनके प्रवक्ता द्वारा कि पहले की तुलना में बहुत अच्छी साफ हो गई हैं, लोग आचमन भी कर रहे हैं और वहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं मोक्षदायिनी गंगा में। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में गोमती को पीछा हो, या बात कर रहे हैं हम दिल्ली में यमुना की, कि वहाँ पर झाग ही झाग नजर आता है, लगता है महिलाएं अर्ध बादलों के बीच दे रही हैं। आने वाले समय में तमाम तरह की कस्में खाई जाएंगी, तमाम तरह की नीतियाँ बनाई जाएंगी, पर देखने वाली बात ये होगी कि उन नीतियों पर काम कितना होता है। अगर काम किया जाएगा, नीति के मुताबिक पैसा खर्च किया जाएगा, उस पर युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो निश्चित रूप से हमारी नदियां साफ हो जाएंगी, क्योंकि प्रकृति भी समय समय पर अपने बदलाव के माध्यम से नदियां साफ करती रहती है। पर नदियों को साफ बनाए रखना ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, शासन की भी है, और जिम्मेदारी जनता की भी है। हम देखने वाली बात होगी, तमाम तरह के आंदोलन होते हैं, कभी मुद्दा होता है ज्ञानवापी, कभी मुद्दा होता है धार्मिक, कभी मुद्दा होता है नोट पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा फोटो को लगाने का, और तमाम तरह के मुद्दे यहाँ पर ज्वलंत होते रहते हैं। पर हम भी अब देखने चाहेंगे कि आने वाले समय में एक मुद्दा ऐसा भी हो कि वो नदियों के लिए हो, एक आंदोलन ऐसा हो जो नदियों के लिए हो, जिससे हमारी ये आस्था के प्रतीक नदियाँ साफ हो सके और उन्हें हम खुलेआम आचमन कर सकें, और ये जो व्यवस्था है ये केवल केवल त्योहारों पर नहीं, हमेशा वो व्यवस्था लागू रहे, हमेशा नदियाँ इतनी साफ रहे कि कभी भी हम उन पर अपना जाके अपना त्यौहार मना सकते हैं, अपना आस्था निभा सकते हैं, और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि किस तरह वहाँ पर परिणाम आएंगे। यमुना की बात करें, चाहे गोमती की बात करें, चाहे गंगा की बात करें, नदी तो नदियाँ हैं और सभी हमारे आस्था के केंद्र में हैं। किसी भी नदी की उपेक्षा यहाँ पर केवल और केवल
निराशा योग्य ही मानी जाएगी। इसलिए इस मामले को, इस मुद्दे को केवल महत्वपूर्ण ना माना जाए, इसको आप शर्मिंदगी से देखिए कि अगर हम अपनी नदियां साफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े इंजीनियर सिस्टम हैं, बड़ी व्यवस्था है और बड़ा पैसा है, पर जो मामला आता है वो मामला ये आता है, परिणाम जो आता है वो आता है कि नदियाँ उस स्तर पर साफ नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। आने वाले समय में किस तरह बदलाव होंगे, किस तरह हमारी ये नदियाँ साफ होंगी, ये वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि एक आंदोलन चाहिए नदियों पर भी, तभी नदियाँ साफ हो सकेंगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। मुझे यानी गौरव श्रीवास्तव की अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।